नई वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हमारे घर में उपयोग होने वाले इलेक्ट्रिक स्टोरेज वाटर हीटर की सेफ्टी के बारे में। दोस्तों, अगर आपने गीज़र लगवाया हुआ है या अपने घर में इलेक्ट्रिक गीज़र लगवाने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा देखो। इसका नाम है सेफ्टी वाल्व, प्रेशर वाल्व, या हम इसे एनआरबी नॉन रिटर्नेबल वाल्व भी कहते हैं। ये बल्ब सभी कंपनियों के वाटर हीटर में मिलेंगे जो कि आपको अपने गीज़र में लगवाना ज़रूरी है। ये काम कैसे करता है हम आपको बताते हैं। सबसे पहले NRB इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सिर्फ एक साइड से पानी आपके गीज़र में जाएगा, जो कि इनलेट साइड ही लगाया जाता है। आपके गीज़र कभी खाली नहीं होगा, आपका गीज़र का टैंक कभी खाली नहीं होगा अगर आप ने नहीं लगवाया। वाटर टैंक खाली होने के बाद गीजर टैंक का पानी भी रिटर्न आ जाएगा। इस केस में आपका अगर गीजर ऑन करते हैं तो आपका गीजर जल सकता है। तो प्रेशर वाल्व इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें इस तरह का एक स्प्रिंग लगाया होता है जो आपके वाटर टैंक से आने वाले पानी के प्रेशर को स्लो करता है, जिससे आपके गीजर का टैंक लीकेज होने या फटने से बच सकता है। इसको सेफ्टी बल्ब इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस बल्ब में इस तरह का नोब दिया होता है जो कि किसी कारण से अगर आपका गीजर ओवरहीट हो जाए तो इस बल्ब इस नोब के सहायता से प्रेशर रिलीज करता है। दोस्तों, ये थे इस बल्ब के लगाने के कुछ कारण। दोस्तों, इस बल्ब के निकालने के एक ही कारण होते हैं कि ये आपके गीजर में या तो आउटलेट से पानी नहीं आ रहा होगा या पानी स्लो आ रहा होगा। दोस्तों, इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। इसी तरह की नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और